दोस्तों, टोयोटा अर्बन क्रूजर की सारी डिटेल सामने आ चुकी हैं। पिछले महीने 22 अगस्त को गाड़ी की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी और इसी महीने यानी सितंबर के अंत तक इसकी लॉन्चिंग भी हमें देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, रिसेंटली ही गुरुवार को टोयोटा कंपनी ने एक रिस्पेक्ट पैकेज नेम से भी स्कीम लॉन्च की है अपने उन सभी कस्टमर के लिए जिन्होंने गाड़ी की प्री बुकिंग करवा रखी है। उनको कंपनी 2 ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बनवाला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने देसी स्पीच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी की न्यू अपकमिंग अर्बन क्रूजर के बारे में। दोस्तों, प्राइस के अलावा गाड़ी का सब कुछ रिवील हो चुका है, आप सभी को पता ही होगा। दोस्तों, अगर अब भी ज़रा से भी आपको कोई कन्फ्यूजन है न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर के बारे में तो बने रही है वीडियो के अंत तक। आई होप आपके सभी कंफ्यूजन और क्वेश्चन मैं वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही गाड़ियों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, टोयोटा ने अपनी अर्बन क्रूजर कार की लास्ट मंथ बुकिंग शुरू कर दी थी और कहीं ना कहीं इसी महीने के एंड तक यह लॉन्च भी हो जाएगी। मे भी 24 सितंबर को टोयोटा इसको लॉन्च भी कर देगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। 2020 अर्बन क्रूजर में आपको 3 ट्रिम वेरियंट के साथ देखने को मिलने वाली है जो कि रहने वाले हैं मिड, हाई एंड प्रीमियम। दोस्तों, गाड़ी अभी कुछ ही समय बाद लॉन्च होने वाली है। गाड़ी की कुछ फ्रेश डिटेल निकल के हमारे सामने आई है। वेरिएंट वाज गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी विटारा ब्राजा में आपको 4 वेरिएंट के अंदर मिलती है, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और अर्बन क्रूजर आपको 3 वेरिएंट में मिलने वाली है जो कि ब्रेजा का VXi मॉडल है वो अर्बन क्रूजर का मिड, और ब्रेजा का ZXi मॉडल अर्बन क्रूजर का हाई, और ZXi प्लस अर्बन क्रूजर का टॉप मॉडल यानी कि प्रीमियम मॉडल रहने वाला है। टोयोटा अर्बन क्रूजर का मिड वेरिएंट के अंदर जो जो फीचर मिलने वाले हैं उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले मिड वेरिएंट के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs, LED टेल लैंप्स, 16-inch स्टील व्हील्स, 2DIN ऑडियो सिस्टम विद USB ऑक्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री एंड गो, और ऑडियो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब टोयोटा अर्बन क्रूजर के हाई वेरिएंट की बात करते हैं तो जो मिड वेरिएंट के सभी फीचर्स हैं वो तो आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड फीचर के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। उनसे अलग गाड़ी के अंदर आपको 16-inch अलॉय व्हील्स, 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, एंड फाइनली आपको इसके अंदर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अभी गाड़ी के टॉप मॉडल यानी प्रीमियम वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर आपको सभी मिड और हाई वेरिएंट वाले फीचर के साथ साथ आपको LED फॉग लैंप, 16-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में आपको फॉर्चूनर से इंस्पायर्ड क्रोम फिनिशिंग के साथ ड्यूल स्लेट ग्रिल ऑफर की जाती है, वाइड एयर डैम्स, रेन सेंसिंग वाइपर एंड सिल्वर कलर्ड स्किड प्लेट देखने को मिलने वाली है। लाइटिंग के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED फॉग लैम्प देखने को मिल जाएंगे। साइड से बात करते हैं तो साइड में आपको फ्लैंक्ड रूफ रेल्स, ब्लैक्ड आउट बी पिलर, इंडिकेटर विद ORVMs एंड डायमंड कट 16-inch अलॉय व्हील देखने को मिलने वाले हैं। गाड़ी के अंदर आपको 6 सिंगल टोन एंड 3 ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। जो सिंगल टोन कलर है वो सनी वाइट, आइकॉनिक ग्रे, सुवावे सिल्वर, रस्टिक ब्राउन, स्पंकी ब्लू एंड ग्रूवी ऑरेंज है, एंड ड्यूल टोन कलर रस्टिक ब्राउन विद ब्लैक रूफ एंड स्पंकी ब्लू विद ब्लैक रूफ एंड ग्रूमी ऑरेंज विद वाइट रूफ के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाड़ी के इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो गाड़ी के कैबिन के अंदर आपको 5-सीटर के साथ ड्यूल टोन ब्राउन अपोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी जो कि प्रीमियम लगता है ब्रेजे के कैबिन के मुकाबले में हमें।
आपको गाड़ी के अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एंड आपको थ्री स्पोक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ 7 इंच स्मार्ट प्ले का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। उन सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग एंड ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, ABS विद EBD, ए रियर व्यू कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाएंगे। जो गाड़ी की बॉडी है वो भी हाई स्टेनलेस स्टील से मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी की बॉडी है। गाड़ी के अंदर आपको मैसिव बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको 3-8 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडर द हुड इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको सेम ब्रेजा वाला 1.5 लीटर न्यूट्रली एस्पायरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। यह एक ही इंजन ऑप्शन गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो इंजन है वो 104 PS की पावर और 138 Nm पावरफुल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। गियरबॉक्स के अंदर आपको बोथ 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगे। टोयोटा अपनी न्यू अर्बन क्रूजर के अंदर मिड हाइब्रिड सिस्टम भी ऑफर करने वाला है दोनों ट्रांसमिशन के अंदर, यानी जब कभी भी आप ट्रैफिक के अंदर गाड़ी को न्यूट्रल करके क्लच से पांव हटा लोगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और आप जैसे ही क्लच के ऊपर पांव रखोगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगी। टोयोटा कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बेटर होने वाली है। ब्रेजा की एवरेज की अगर बात करें तो ब्रेजा 17-19 KMPL की एवरेज क्लेम करती है, तो वहीं अर्बन क्रूजर के अंदर आपको डेफिनेटली 20+ एवरेज देखने को मिल सकती है। बात करें गाड़ी के प्राइस की तो वो अभी रिवील नहीं हुआ है। वैसे अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 8 लाख रुपये के आसपास होने वाला है बेस मॉडल का। जैसे ही गाड़ी लॉन्च होती है उसके बाद गाड़ी का सीधा कंपटीशन हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों के साथ होने वाला है। इस सेगमेंट के अंदर सभी कंपनियों ने अपनी गाड़ियां ठूस ठूस के भर रखी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या कुछ खास परफॉर्मेंस ये गाड़ी कर पाएगी। बस इतना ही आज की वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।